समुद्र किनारे एक छोटे से गांव में जैक नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। एक दिन समुद्र में अपना जाल डालते समय जैक ने एक जादुई सुनहरी मछली पकड़ ली। मछली ने विनती की, कृपया मुझे जाने दो दयालु मछुआरे, बदले में मैं तुम्हें 3 इच्छाएं दूंगी। जैक एक साधारण व्यक्ति होने के नाते पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन बाद में एक मामूली इच्छा करने का फैसला किया। वह अपने और अपनी पत्नी के लिए एक आरामदायक घर की कामना करते थे। सुनहरी मछली ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और किनारे पर एक सुंदर कुटिया दिखाई दी। जैक और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे लालची होते गए। वे भव्य चीजों की कामना करते थे, धन, शक्ति और फिजूल खर्ची। हर इच्छा पूरी हो गई, लेकिन हर इच्छा के साथ उनकी संतुष्टि कम हो गई। जैक के पास जो कुछ भी था उससे वह असंतुष्ट हो गया। वह हमेशा और अधिक की चाहत रखता था। एक दिन जैक ने पूरी भूमि का शासक बनने की कामना की। हालांकि इस बार गोल्डन फिश को निराशा हाथ लगी। इसने जैक को चेतावनी दी कि उसके लालच के परिणाम होंगे और इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। जैक ने चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अपनी अंतिम इच्छा जताई। अचानक सब कुछ गायब हो गया और जैक ने खुद को अपनी साधारण मछली पकड़ने वाली नाव में वापस पाया। सरल और संतुष्ट जीवन के मूल्य को समझते हुए जैक उसके पास जो कुछ भी था उसके लिए आभारी होकर घर लौट आया। कुटिया फिर से प्रकट हो गई और उस दिन से जैक जीवन की सरल खुशियों की सराहना करते हुए खुशी से रहने लगा। कहानी का सार यह है कि संतोष एक खजाना है। अंतहीन इच्छाओं की खोज खालीपन की ओर ले जा सकती है, और कभी कभी जो हमारे पास है वह जो हम चाहते हैं उससे अधिक मूल्यवान है।